नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, ऐसी ऐसी तस्वीर देखकर आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। कोई कहता है मुझे बिहार जाना है, कोई कहता है मुझे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाना है। ये सब दिल्ली से आने वालों का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, जहां भी प्रवासी भाई अपने जीवन यापन के लिए जाते हैं और दैनिक मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, पैसा और घर ना होने के कारण वह पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिए हैं। किलोमीटर का तो पता नहीं, लेकिन उनकी मंजिल बस घर पहुंचना है। दूध मुहे बच्चे से लेकर सभी सरकार की तरफ से काफी कदम उठाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने सफल हैं इनका विश्लेषण कर सरकार को करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि उन सभी भाइयों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सरकार को मदद करनी चाहिए और जो लोग रुके हैं उनके खाने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कोरोना से लड़ते लड़ते कहीं भूखमरी से ना लड़ने लगे। सरकार के द्वारा कोरोना के लिए उठाए गए कदम सराहनीय है, लेकिन इन विषयों पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर है दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड की, जहां पर लोग हजारों की संख्या में अपने अपने घरों के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।